इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हम राम जी के राम जी हमारे निर्भराम भक्ति मेरे तो प्राण यधारे रघुपुंगव निर्भराम मे निर्भराम भक्ति कामादि दोष रहितम मानस को इनसे मुक्त करिए प्रभु। काम क्रोध मद मोह लोभ और मत्सर यह गुण साधनते नहीं होई तुम्हारी ही कृपा पाव कोई कोई। ये कामनाएं ये क्रोध ये मद प्राप्ति का हम मद न प्राप्ति की उत्पत्ति क्रोध राग मत्सर ये अपने बस का नहीं मिटाना अपने बस का नहीं है ये भगवान की कृपा से ही जाते हैं। भजन के प्रताप से जाते हैं धीरे धीरे जाते हैं। सुंदरकांड के तृतीय श्लोक में वंदना के पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने श्री हनुमान जी की अष्टमूर्ति का स्मरण किया है सबको कंठस्थ है गाइए। अतुलित बल धामम हेम शैला भदेहम तनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति वरदोतम वात जातम अतुलित बल धामम शरण शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति भरदोतम जातम पूरा सुंदर कण। हाँ क्या बात बहुत सुंदर दिव्य। ये है अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वर। एक एक शब्द क्या मर्म का है उदय दर्शन करिए। अतुलित बल धामम जहि गिर चरण दे हनुमंता चले उसुगा पाताल तुरंता। अतुलित बल धामम शरण शैलाभदे हम मां को हनुमान जी ने जब दर्शन दिया ना तो स्वर्ण शैलाभदे हम दर्शन दिया कैसे कनक भोगधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। ये दर्शन है स्वर्ण शैलाभदे हम धनुज वन कृशानुम कछु मारिस कछु मर्दसी कछु मिलियसि धरि धूरि कछु पुनजाय पुकारे प्रभु मर कटबल धनुज वन कृशानुम। कल का प्रसंग है धनुज वन कृशानुम ज्ञान नाम अग्रगण्यम ज्ञानियों में श्रेष्ठतम है। क्या भगवान ने कहा था बहु प्रकार सीत ही समुझायहु कहि बल बिरह बेग तुम। भगवान ने कुछ नहीं कहा का कहना कैसे कहना किधर से कहना कुछ नहीं।
भगवान का संदेश माँ को दिया हनुमान जी ने, और माँ का संदेश प्रभु को दिया। दो पंक्ति दर्शन करिए। प्रभु संदेश सुनत भय देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं देही। और जब माँ का संदेश भगवान को आके हनुमान जी ने दिया, सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। ये ज्ञान इनाम अग्रगण्यम। बुद्धिमान कौन है कि थोड़ा कह दे तो अधिक समझ जाए, जैसे आप लोग समझ जा रहे हैं। बुद्धिमान का काम क्या है? और सठ कौन है? अरे समझाए रहो, हम तो समझ ही चुके हैं। हाँ, एक विनोद की कथा आपको सुनाऊं। एक गीता जी के अध्यायी विद्वान महापुरुष किसी गांव में गीता सुनाने गए, गीता पर प्रवचन देने गए। तो गांव में लाल बुझक्कड़ विद्वान बहुत होते हैं। 7 दिन का सत्र हुआ। 7 दिन बाद एक बुद्धिमान पहुंचे महाराज के पास। बोले, महाराज आपने पहले दिन जो कथा में कहा था, सर्वोपनिषदो गावो दोगधा गोपाल नंदन, तो ये दो गधा कौन थे? बाबा जी बोले, एक हम एक तुम। क्यों? 7 दिन के गीता प्रवचन में पहले दिन का श्लोक लेके बैठा है, तू समझ नहीं पाया, और मैं इसलिए गधा कि मैं तेरे को 7 दिन में ही समझा नहीं पाया। ये लाल बुझक्कड़ लोग सर्वत्र पाए जाते हैं भैया, लेकिन आप तो बड़े विद्वान हैं हनुमान जी महाराज। क्या? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। अरे अजर अमर गुण निधिसुत हो कर हूं बहुत रघुनायक। लंका कांड में माँ ने आशीर्वाद दिया, कहा हे लाला, धरती पर जब तक शेष के धरती जब तक शेष के सिर पर रहे, अनंत आपको प्रेम करें, प्रभु आप पर कृपा करें, धरती के सारे सदगुण आप में उपस्थित हो जाएं। ये सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, जो काम कोई नहीं किया। अरे नाथ काज कीने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राण। ध्यान रखना। राम दूत में मां तु जान की, सत्य सपत करुणा निधान की। ये श्लोक पूरा सुंदरकांड। तो सुंदरकांड की कथा में हम लोग प्रवेश करें, स्मरण में रखिएगा। श्री हनुमान जी सबको प्रणाम करके आगे चले। लंका में प्रवेश हुआ संध्या वेला में, और नगर दर्शन करने के पश्चात श्री हनुमान जी का विभीषण जी के साथ सत्संग भया है। विभीषण जी ने माँ के दर्शन का पता बताया। इसके पहले हनुमान जी रात में मंदिर मंदिर पतकर शोधा, देखे जहाँ तत् अगणित योधा, गज उदसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहे जात सुनाही। शयन किए देखा कवि देही, मंदिर महुन देख बेदेही, भवन एक पुन देख सुहा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामा युद्ध अंकित गृह शोभा, वर्णन जाय नव तुलसिका वृंद, तह देख हरस कपिल। और तब विभीषण जी महाराज मिले, और विभीषण जी का हनुमान जी का सत्संग चल रहा है। तो रात भर भगत जी का सत्संग भगत जी से हो, यह भाव हृदय में रखिए। आज की वेला विश्राम ले, इसके पहले एक संदेश। कल हम लोग ठीक 4 से 7 में कथा पूर्ण करेंगे, अभिषेक महोत्सव मनाएंगे। सभी श्रीमंत लोग जो पधारे हैं इस राम कथा में, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्रीमंत लोग बहुत हैं, आरती की थाल 11 है, तो कृपया 3 बार घुमा के दूसरे के हाथ में देते जाएंगे। जो ले वही न लिए खड़ा रहे। सबको आदर दें, अपने को आदर प्राप्त होगा भगवान की कृपा। श्री रामार्चन मंदिरम अयोध्या जी में आप सबने जिन्होंने सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद। जो करेंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। हरे रामा रामा राम, हरे राम 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 सीताराम, राम 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 राम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 राम।
कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभु राम लखन श्री जानकी सदा कल्याण श्या हरि राम जय उमा पति जय पवन स्वामी तुलसीदास जय बोलो भाई सब नमः पार्वती पतये हर आरती सब आरती आरती राम जन दुख दो निर्मुलनी का सुरभ सौरभ जगेन जगमय जन्त देवस्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्नते अनाकं महिमानः सजन्त्रयत पूर्वे साध्याय सन्ति देवा सेवन्ति काबकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।